So in this session today, we will be discussing some important types of missile systems of India that are very much asked in your exam. Okay, आप लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा बार ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जो है वो पूछे जाते हैं, तो मैं वही मिसाइल सिस्टम्स आज आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ओके, एंड ऑल ऑफ दीज मिसाइल प्रोग्राम्स, ओके, दे आर वेरी मच आस्क्ड इन द फैक्चुअल फॉर्म फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द एग्जाम. क्लियर? सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं. एंड इन टूडेज सेशन वी वुड डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स के क्या ये मिसाइल प्रोग्राम्स जो है, ये कौन कौन से मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसके अराउंड कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दी सेशन टुडे. क्लियर? सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. आई होप आप सभी लोग जो है यहां पर अपनी तैयारियां अच्छे से कर रहे हैं एग्जाम्स की, ठीक है, और अपकमिंग एग्जाम्स में ये सभी चीजें बहुत पूछी जाती हैं. सो वेदर इट इज सीडीएस, सीएपीएफ, टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम जो कमिंग संडे को है, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम, एफकेट एग्जाम, वहां पर सभी एग्जाम्स में मिसाइल प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्लियर? तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम्स जो है वो डिस्कस करूंगा. मिसाइल प्रोग्राम्स के साथ साथ मैं आपके साथ यहां पर यह भी बताऊंगा कि रीसेंट कौन कौन से मिसाइल प्रोग्राम्स यहां पर एक्वायर किए गए हैं, ठीक है, और यहां पर इसराइल हो या बाकी सभी जो देश है किनके साथ कोलैबोरेशन में मिसाइल्स बनाई गई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में डिस्कस करूंगा. क्लियर? सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. ओके, आई होप आप सभी लोगों की तैयारी भी एग्जाम्स की अच्छी चल रही है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन, ओके, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दी डेली वीकडेज एंड वीकेंड्स क्लासेस. ठीक है, हम आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस लेकर आते हैं डेली 11 AM, 12 PM, 3 PM, 7 PM, 8 PM और रात को 9 बजे क्लासेस आती हैं. क्लियर? On the weekends, we do have classes at 10 AM, 12 PM, 3 PM, 5 PM, 7 PM and 8 PM. Clear? तो ये सभी जो classes हैं, regular आप लोगों की classes के साथ साथ, ठीक है, regular class आप लोगों की class के साथ साथ ये सभी जो sessions हैं, ये आपकी preparation को और streamline करने में आपको help करेंगे. और उसी के साथ साथ अभी initial phase में कैसे जो आपके पास 8 to 9 months का टाइम ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में, कैसे आप उन्हें अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं, ये फ्री सेशंस आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले यहां पर अगर मिसाइल प्रोग्राम्स की बात की जाए तो जो सबसे पहला सवाल यहां पर उठता है वो यहां पर मिसाइल प्रोग्राम्स में आता है. जो सवाल आप लोगों के मन में आता है, दैट इज द कैटेगराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैलिस्टिक मिसाइल एंड द क्रूज मिसाइल. ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो है उसमें बैलिस्टिक, ये बेसिक जो कैटेगराइजेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, ये जो बेसिक कैटेगराइजेशन है ये ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से है. क्लियर? सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेजेक्ट्री. क्लियर? और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो शुरुआत से ही एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है. ठीक है, वो यहां पर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है वो फॉलो करते हैं. वेयर एज दीज क्रूज मिसाइल्स, आप ये देखते हैं, इनिशियली दे टेक अ लिफ्ट एंड देन दे क्रूज एट अ लेसर हाइट टूवर्ड्स द टारगेट. ठीक है, तो जो टारगेट होता है उसकी तरफ एक लेसर हाइट पर क्रूज करते हैं. क्लियर? तो प्राइमरी ये जो कैटेगराइजेशन है बिटवीन द बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, इट इज विद रेस्पेक्ट टू देयर ट्रेजेक्ट्री. क्लियर? यहां पर ट्रेजेक्ट्री को ज्यादा ध्यान में रखा गया है. क्लियर? ओके, तो एक मेजर डिफरेंस ये है जो आप सभी लोग देखते हैं. क्लियर? अच्छा, अब ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, व्हाट पाथ दे आर ट्रेसिंग, दैट इज ट्रेजेक्ट्री. ओके,
अब सबसे पहले यहां पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए, ओके, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये बेसिकली इनकी क्या क्या फीचर्स रहते हैं, ठीक है. सो दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स इन टर्न यू कैन सी दैट दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री टू डिलीवर वन और मोर वॉरहेड्स ऑन टू अ टारगेट. ओके, इसके अलावा यहां पर कोई भी एक्टिव प्रोपल्शन नहीं होता ड्यूरिंग द एक्चुअल फ्लाइट. जब यहां पर फ्लाइट लॉन्च हो जाती है कोई एक्टिव प्रोपल्शन नहीं होता. और एक जो प्री डिटरमाइंड जो टारगेट है, जो पाथ है, उसे ही ये फॉलो करते हैं. क्लियर? तो इसी यहां पर जो लिखा गया है कि कोई एक्टिव प्रोपल्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ट्रेजेक्ट्री है इट इज फुली डिटरमाइंड बाय अ इनिशियल वेलोसिटी. जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे लॉन्च किया जाता है. देन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस एंड द कोरियोलिस फोर्स, मोशन ऑफ अर्थ जो है उसकी वजह से ये यहां पर पाथ फॉलो करती है. ठीक है. दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ठीक है, जो शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, दे यूजुअली स्टे विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. क्लियर? और ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिन्हें कई बार हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी बोलते हैं, ये एक सब ऑर्बिटल जो फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है उसे फॉलो करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे फ्लाई आउट ऑफ द एटमॉस्फेरिक पीरियड. क्लियर? अब यहां पर अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की हम लोग बात करें तो कैटेगराइजेशन में आप ये देख सकते हैं कि यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो रेंज के हिसाब से कैटेगराइज की गई है. क्लियर? मोरओवर दीज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे हैव अ हायर स्पीड इन कंपैरिजन टू द क्रूज मिसाइल. क्लियर? अब टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहले आती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. ठीक है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिन्हें कहा जाता है, और इनकी जो रेंज होती है इट इज यूजुअली फ्रॉम 300 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर. क्लियर? 300 किलोमीटर से तकरीबन 1000 किलोमीटर जो है उसकी रेंज रहती है. ठीक. अगली जो यहां पर आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, उनकी यूजुअली जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से टू ऑलमोस्ट 3000 और 3500 किलोमीटर तक रहती है. इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, ठीक है, देयर रेंज इज अराउंड 3500 किलोमीटर टू 5500 किलोमीटर. क्लियर? और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, देयर रेंज इज 5500 प्लस किलोमीटर. क्लियर? दो 5500 किलोमीटर के दायरे में मार्क कर सकती हैं. ठीक है. अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि रिसेंटली जो इंडिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, वहां पर उन्हें इंडिया को एक क्योंकि इंडिया आप देख सकते हैं कि एमटीसीआर का भी हिस्सा बना, तो इंडिया को ये हिदायत दी गई कि आप अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5000 किलोमीटर के अराउंड ही लिमिट कर लें. क्लियर? सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर कंट्रीज हु आर मेकिंग देम, ओके, आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ये बनाई जाती है. ठीक. ओके, अगली जो यहां पर आती है वो है क्रूज मिसाइल्स. क्लियर? अब ये जो क्रूज मिसाइल्स हैं, आप लोग देखते हैं कि दीज क्रूज मिसाइल्स दे रिमेन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू आउट इट्स फ्लाइट एंड दे फ्लाइज द मेजर पोर्शन, ओके, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. ठीक है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड जो है उसी के अराउंड ये मिसाइल्स जो है ये फ्लाई करती हैं. ठीक है, एंड दीज मिसाइल्स दे यूजुअली, ओके, दे हैव लेसर स्पीड इन कंपैरिजन टू दी बैलिस्टिक मिसाइल्स. क्लियर? ओके, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो क्रूज मिसाइल्स की अगर बात की जाए तो वो तीन तरह की होती है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल. ठीक है, तीन तरह की ये क्रूज मिसाइल्स यहां पर देखी गई हैं. ठीक है, इन सभी क्रूज मिसाइल्स में आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ठीक है, स्पीड इनकी रहती है, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल दी स्पीड इज मैक 5. ठीक है, मैक 5 का मतलब है 5 times दी स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं ब्रह्मोस 3, ठीक है, ब्रह्मोस 3 जो है, ब्रह्मोस 3 जो है वो यहां पर आप ये देखेंगे कि वो
आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज में आती है, ठीक है। और ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, यहां पर ब्रह्मोस 3 जो है इसकी रेंज अराउंड 2.8 मैक के अराउंड है, ठीक है, 2.8-3 मैक जो है वो ब्रह्मोस 3 की रेंज है, क्लियर। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो यहां पर आती है, सबसे पहले जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल हमने देखी थी, ठीक है, सॉरी, तो यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो देखी थी इनकी रेंज मैक 5, क्लियर। और इसमें जो आप लोगों के एक आती है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल जिसे हम लेकर चलते हैं। नाउ दिस ब्रह्मोस सेकंड, सॉरी यहां पर दोबारा से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रह्मोस सेकंड जो मिसाइल है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है दैट इज अराउंड मैक 7 है इसकी स्पीड, क्लियर, ओके। और यहां पर आप ये देखते हैं कि उसके बाद जो अगली आती है सुपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है, ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनकी स्पीड अराउंड 2-3 मैक्स के अराउंड रहती है, क्लियर। तो इनकी जो स्पीड है दैट इज अराउंड मैक 2-3, क्लियर। तो करंटली आप ये देखते हैं कि अभी ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं हमारे पास, सो द ब्रह्मोस मिसाइल दैट वी यूज, ओके, द रेंज ऑफ दिस ब्रह्मोस इज 290 किलोमीटर्स, क्लियर। और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ दिस ब्रह्मोस मिसाइल इज अराउंड 2.8 मैक, क्लियर, 2.8-3 मैक के अराउंड इसकी स्पीड देखी गई है, क्लियर। थर्ड जो यहां पर सबसोनिक मिसाइल बोली जाती है, ठीक है, जो सबसोनिक मिसाइल बोली जाती है ये वो मिसाइल्स हैं हुज स्पीड इज लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड से इनकी स्पीड कम रहती है, क्लियर। तो सबसोनिक मिसाइल्स यूजुअली आप देखते हैं 0.8 मैक जो है वो इसकी स्पीड है, क्लियर, जिसमें आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं निर्भय मिसाइल का, ठीक है। निर्भय मिसाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो निर्भय मिसाइल जो है इसकी रेंज आप देखते हैं कि रेंज इज अराउंड 1000-1500 किलोमीटर्स, क्लियर। और इसी रेंज के अलावा यहां पर निर्भय मिसाइल जो है इसकी स्पीड है 0.8 मैक, क्लियर। सो दिस इज अ बेसिक लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल, क्लियर। तो ये डिफरेंट क्रूज मिसाइल्स जो आपके सामने दी गई हैं, आप प्लीज यहां पर इनकी जो रेंज है, इनकी जो स्पीड है उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है पहले, ओके, क्लियर। ये जो मैक है, मैक इज बेसिकली द यूनिट, ओके, और यहां पर जो वर्ड बोला गया है मैक, इट बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। सपोज इफ द स्पीड शोन इज 2 मैक, ओके, इट मींस 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। सो द यूनिट मैक इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। चलिए, अच्छा, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, बताइए स्पीड ऑफ साउंड क्या है। यहां काफी ग्रेजुएट्स हैं सेक्शन में जिन्हें काफी बेसिक डाउट्स भी आ रहे हैं, तो इसी डाउट के बीच में ये भी बता दीजिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, बताइए कमेंट सेक्शन में। आई वॉन्ट ऑल दी CDS, CAPF, जो एस्पिरेंट्स हैं, ग्रेजुएट से, ये तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें इतना सोचने का टाइम लग रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, 342 वॉट, बताइए, 342 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो भाई यहां मतलब मुझे लगता है कि ये अगर हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इसी चीज में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, क्लियर, ठीक है। तो भाई ये तो गलत बात है, मतलब ग्रेजुएट्स से एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्टेड है। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये जो कैटेगराइजेशन है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का, ठीक है, ये किस आधार पर किया जाता है और क्या एक बेसिक यहां पर रिक्वायरमेंट्स देखी गई, ठीक। चलो,
अब इसके बाद अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो इंडिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट अभी तक एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दैट वाज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडिया में एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो चलाया गया। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इट वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये कलाम साहब का एक ब्रेन चाइल्ड था जो एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में शुरू किया गया। ठीक, अब यहां पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो थी उसने भारत को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया हर प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एक्सेस देने से, तो इंडिया को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें भी अपना एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहां पर डीआरडीओ की लैब्स, बाकी इंडस्ट्रीज और एकेडमिशियंस जो थे वो एक साथ आए। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था ये फॉर्मली 26 जुलाई 1983 को कमीशन कर दिया गया। क्लियर, ये जो प्रोग्राम था 1983 से 2012 तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ। ठीक है, और इसी में आप ये देख सकते हैं कि भारत की डिफेंस फोर्सेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर 5 मिसाइल जो थी वो बनाएंगे। क्लियर, सो बेसिकली आप यहां पर देखेंगे कि ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, ये जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहां पर चलाया गया था, इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हीं सभी रिक्वायरमेंट्स को यहां पर ध्यान में लिया गया। ठीक है, और उसे देखते हुए यहां पर 5 डिफरेंट मिसाइल्स जो थी वो बनाई गई। ठीक, अब यहां पर मिसाइल प्रोग्राम्स में सबसे पहले यहां पर आई पृथ्वी मिसाइल, जो एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। क्लियर, देन इट वॉज आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग विच वॉज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, त्रिशूल विच वॉज अ शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, और अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्लियर, तो आज के सेशन में हम ये 5 मिसाइल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी विल फाइंड आउट दैट हाउ दीज मिसाइल्स दे वर अ पावर मल्टीप्लायर टू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। क्लियर, ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, तो प्लीज इस सेशन को शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें मैंने आपको भी बताया कि कैसे ये 5 डिफरेंट मिसाइल्स हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, उसके बाद आप ये देख सकते हैं त्रिशूल, आकाश और नाग। क्लियर, अब यहां पर बिल्कुल धानिया जी, इन दी इन दिस यू कैन सी एवरीथिंग इन अ वेरी टेब्यूलर मैनर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर अगर कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की जाए, ठीक है, तो मैं भी यहां पर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी मिसाइल्स पर भी आऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले मैं कुछ आपके साथ जो बेसिक यहां पर मिसाइल्स हैं उन्हें भी डिस्कस करता हूं। क्लियर, सबसे पहले यहां पर अगर मेजर एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की जाए, ठीक है, तो मायका मिसाइल, अब ये मायका जो है इट इज अ फ्रेंच एंटी एयर मल्टी टारगेट वेदर फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। अब फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल कई बार आप लोग ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल क्या है, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज दिस फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, बताइए व्हाट इज द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, बताइए। यस, ये भी जो मिसाइल्स हैं दीज आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। व्हाट इज द फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, आपने कई बार नाग मिसाइल के साथ साथ आप ये देख सकते हैं हर जो रीसेंट मिसाइल प्रोग्राम्स आ रहे हैं सभी में ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। बताइए, विवेक कुमार कह रहे हैं कैन नॉट बी रियूज, क्यों, और व्हाट इज फायर एंड फॉरगेट लॉक एंड, तो क्या लॉक एंड फॉरगेट क्या। अब देखिए, ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, दिस फायर एंड फॉरगेट टर्म इट रिफ्लेक्ट्स द हाई एक्यूरेसी ऑफ दिस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, वो मिसाइल सिस्टम की एक बहुत हाई एक्यूरेसी, वो कहता है कि एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट 100%। क्लियर, तो ये जो मिसाइल है मायका मिसाइल, इट इज बीइंग यूज्ड बोथ बाय द एयर प्लेटफॉर्म
एज वेल एज द इंडिविजुअल मिसाइल्स फ्रॉम द ग्राउंड यूनिट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द शिप्स. क्लियर? ओके, नाउ दीज आर इक्विप्ड विद द रैपिड फायर माइका. क्लियर? द रेंज इज 500 मीटर्स टू 80 किलोमीटर्स एंड द स्पीड इज अप टू 4 मैक. क्लियर? 4 मैक तक की जो स्पीड है वो ये अटेन कर लेते हैं. ठीक है? क्लियर? इसके बाद अगला जो मिसाइल आता है, तो आप ये जो की इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम में, रेंज आपके एग्जाम में, स्पीड ओके, और टाइप ऑफ प्रोपल्शन जो है वो कई बार आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है? ये आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक, इसके साथ साथ यहां पर अगला जो मिसाइल आती है दैट इज अस्त्रा मिसाइल. क्लियर? सो इट इज एन ऑल वेदर बीवी रैम मिसाइल. व्हाट इज द टर्म बीवी रैम? ये टर्म बीवी रैम जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है बताइए? द टर्म बीवी रैम, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट बताइए? ये बेसिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये टर्म्स हैं. ओके, अब देखिए ये जो बीवी रैम वर्ड बोला जा रहा है, ठीक है, दिस टर्म इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. क्लियर? सो दिस अस्त्रा मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. The speed is more than 4.5 Mach and it has a range of 80 to 110 kilometers. Clear? So, ये जो beyond visual range है, that is beyond 80 kilometers of range. ठीक है? ये beyond 80 kilometers of range जो है, उसे beyond visual range बोला जाता है. ठीक? अगला, यहाँ पर surface to surface missiles की अगर हम बात करें, तो इसमें most famous अग्नि missiles जो हैं, वो आती हैं. ठीक है? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि काफी फेमस जो अग्नि मिसाइल सिस्टम्स हैं वो आते हैं. ठीक है? और अग्नि मिसाइल सिस्टम्स में आप ये देख सकते हैं कि जो अग्नि मिसाइल है इट इज अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. क्लियर? सो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अराउंड 700 to 800 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज यूजुअली देखी गई. क्लियर? तो जो मीडियम रेंज मिसाइल है उनकी रेंज टिल 1000 किलोमीटर्स होती है. क्लियर? स्पीड इज मैक 7.5. ये स्पीड ये अटेन कर सकते हैं. ठीक है? और यहां पर ये जो अग्नि फर्स्ट है इट यूजेस सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल. ठीक है? उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, उसमें सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर जो है वो लगाया जाता है. ठीक है? एंड और जो अपर स्टेजेस होती है उसमें लिक्विड प्रोपल्शन इन दी अपर स्टेज. ठीक है? तो उसमें अपर स्टेज जो है उसमें आप ये देख सकते हैं कि लिक्विड प्रोपल्शन जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है. ठीक? सो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अग्नि मिसाइल प्रोग्राम जो है, ठीक है, अग्नि मिसाइल प्रोग्राम आप ये देख सकते हैं कि दीज आर ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स. ओके, और एंड ऑल ऑफ दीज अग्नि मिसाइल्स, ओके, दे कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स. ठीक है? ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है. ठीक है? अग्नि मिसाइल बेसिकली तीन कैटेगरीज में है, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज. क्लियर? अब यहां पर कई बार आप लोगों का सवाल उठता है कि सर ये क्या सारी अग्नि मिसाइल्स जो हैं ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है? क्लियर? तो यहां पर जो अग्नि फर्स्ट, सेकंड और अग्नि थर्ड जो है, ये तीनों मिसाइल्स जो है ये आप लोगों के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही बनाई गई थी. क्या? इसके बाद अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ जो है, ठीक है,
वहां पर टेक्नोलॉजी जो है वहां पे रिंग लेजर जायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो अग्नि फोर और अग्नि फिफ्थ जो है ठीक है वो माइक्रो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तारा रंजन न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो मिसाइल्स है वो कन्वेंशनल वेपन और ये जो अग्नि मिसाइल्स है ये न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो अग्नि फर्स्ट है इट इज MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर, ओके। और यहां पर अभी कोई यहां पीछे कमेंट आ रहा था हिमांशी का कि सर अग्नि मिसाइल जो है इनकी तो अभी टेस्टिंग चल रही है। नहीं, अग्नि फोर्थ तक जो है वो डिप्लॉय कर चुके हैं, सर्विसेज में इस्तेमाल की जा चुकी है। ठीक है, अग्नि फिफ्थ जो है टेस्ट हो गया है बट अग्नि फिफ्थ जो है उसे अभी तक कमीशन नहीं किया गया है। अग्नि सिक्स्थ मिसाइल जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, सिर्फ अग्नि सिक्स यहां अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, अग्नि फोर तक सभी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। ठीक, क्लियर। अग्नि फर्स्ट के बाद अगली आती है अग्नि सेकंड मिसाइल। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर, तो इसकी जो रेंज है दैट इज 2000 टू अप टू 3000 किलोमीटर एंड द स्पीड इज मैक 12 तक की जो स्पीड है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी अग्नि मिसाइल्स हैं दे आर ऑल सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। ठीक है, ये सभी यहां पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्लियर, ओके। अब यहां पर अग्नि मिसाइल के बाद नेक्स्ट जो मिसाइल आती है अग्नि सेकंड के बाद दैट इज दी अग्नि थर्ड। ओके, तो अग्नि थर्ड जो है ये टू स्टेज इंटर मीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्लियर, सो दी रेंज इज अराउंड 3000 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर 5 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड के अराउंड इसकी स्पीड है। क्लियर, तो ये भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तौर पर ही यहां पर ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब ये जो अग्नि थर्ड मिसाइल है ठीक है ये टू स्टेज, यहां पर टू स्टेज प्रोपल्शन है। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हैं कि ये जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके ये जो मिसाइल है इट यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग तरह के वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका ये इस्तेमाल करती है। ठीक, क्लियर। अगली आती है इसमें अग्नि फोर्थ मिसाइल। तो ये जो अग्नि फोर्थ मिसाइल है ठीक दे आर टू स्टेज मिसाइल विच आर पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट। ठीक है, ये टू स्टेज मिसाइल्स है विच यूजेस अ सॉलिड प्रोपेलेंट। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट जो है उसका इस्तेमाल करती है। क्लियर, अविनाश अग्नि मिसाइल्स आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, ये सभी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। क्लियर, अब ये जो अग्नि फोर है इट्स यूजेस टू स्टेज मिसाइल पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और खास बात क्या है कि इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर ऑल्सो। मतलब आप कई बार देखते हैं ना एक ट्रक पर भी लोड होके इसे लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर, ओके। इसके साथ साथ ये जो रेंज है दैट इज मोर देन 3500 किलोमीटर एंड दी स्पीड इज Mach 7। क्लियर, Mach 7 तक की जो स्पीड है वो ये इस्तेमाल करती है। ठीक, ओके। अगली आती है अग्नि फिफ्थ मिसाइल। तो अग्नि फिफ्थ जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल, तो ये जो टर्म इंटरकॉन्टिनेंटल का इस्तेमाल किया गया है दैट इज दैट दिस मिसाइल कैन बी फायर्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर, ओके। तो ये जो मिसाइल है इट हैज अ थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। ओके, और ये इंडिजीनियस है, मींस इट इज मेड इन इंडिया। क्लियर, तो ये काफी एक लेटेस्ट मिसाइल प्रोग्राम है। ठीक है, और इस ये जो अग्नि फिफ्थ है इट कैन कैरी 1.5 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड। न्यूक्लियर वेपन जो है तकरीबन 1.5 टन तक उसे ये कैरी कर सकती है। क्लियर, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो अग्नि मिसाइल है ठीक है ये जो अग्नि फिफ्थ है ठीक है बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक US रशिया इंग्लैंड फ्रांस चाइना उन सभी के पास अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। सेम इंडिया के पास भी डेवलप हो चुकी है। क्लियर, एंड दिस मिसाइल रेंज इज मोर देन 5000 किलोमीटर एंड द स्पीड इज अराउंड 24 Mach। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल्स के मुकाबले इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, ओके।
अग्नि फिफ्थ के बाद आती है अग्नि पी, अग्नि प्राइम जिसे बोला गया है, ठीक है। तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, ठीक है, ये बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि एक और एक कंपोज्ड वर्जन है, क्लियर। सो इट इज अ केनिस्टराइज्ड मिसाइल। केनिस्टराइज्ड का मतलब एक ये केनिस्टर की तरह एक छोटे जो कंटेनर है उसमें भी कैरी की जा सकती है, ठीक है। बट ये काफी एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर चाहे प्रोपल्शन की बात की जाए, गाइडेंस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात की जाए, या फिर नेविगेशन सिस्टम की बात की जाए, उन सभी में ये बहुत ही इंप्रूव्ड तरीके से इस्तेमाल की जाती है, क्लियर। तो ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है इसकी रेंज इज 1000 to 2000 किलोमीटर, ओके। एंड दिस अग्नि प्राइम मिसाइल इज बेसिकली बींग यूज एज अ डेटरेंट, ठीक है, डेटरेंट, डराने के लिए ये ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्लियर। अब यहां पर अगर सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की जाए, ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप ये देख सकते हैं कि अगर ये जो ये सभी लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स थी, ठीक है, अगर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का जो पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है, पृथ्वी सिस्टम जो है, प्रहार सिस्टम जो है वो आता है, ठीक, ओके। अब यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स में अगर हम देखते हैं तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स बेसिकली डिजाइन की गई हैं ग्राउंड से, यहां पर जो एयरक्राफ्ट है या फिर एरियल टारगेट है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लियर। तो यहां पर ये बेसिकली ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है, इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। तो ये जो मिसाइल्स हैं ये बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले आती है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्लियर। तो ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, दीज आर बेसिकली डिजाइन टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयरबॉर्न थ्रेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल्स एंड यूएवीज, क्लियर। तो ये जो सभी यहां पर एरियल अटैक्स से बचाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड बाय द इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड डीआरडीओ, क्लियर। तो यहां पर इजराइल के साथ कोलैबोरेशन से ये बनाई गई है, ठीक, ओके। इनमें रिसेंटली जो एयरफोर्स के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, दैट इज द स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो स्पाइडर सिस्टम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्पाइडर सिस्टम जो है ये एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो स्पाइडर सिस्टम है, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम, क्लियर, ओके। तो यहां पर जो स्पाइडर सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया। आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो स्पाइडर है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्वायर्ड फ्रॉम इजराइल, ठीक है, ये भी इजराइल से ही लिया गया है, ठीक है। एंड इट्स बेसिकली फुल फॉर्म इज सरफेस टू एयर पायथन एंड डर्बी, क्लियर। सो इट इज एन एक्वायर्ड मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इजराइल, विच इज अ शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रोग्राम, ठीक। रेंजेस अप टू 15 किलोमीटर्स एंड एट हाइट्स बिटवीन 20 एंड 9000 मीटर्स, क्लियर। सो स्पाइडर इज ऑल्सो एन ऑल वेदर मिसाइल, ओके, विच हैज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग एन एग्रेसिव एयरक्राफ्ट और मिसाइल, क्लियर। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं स्पाइडर जो है, ओके, बिसाइड्स एयरक्राफ्ट एंड यूएवीज, इट कैन ऑल्सो न्यूट्रलाइज लो लेवल क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। ये यहां पर लो लेवल क्रूज मिसाइल जो है, ठीक है, उन्हें भी यहां पर न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्लियर। तो स्पाइडर मिसाइल प्रोग्राम जो है, आप ये देखते हैं कि स्पाइडर जो है इफेक्टिवली एयरफोर्स जो है उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सबसे पहले एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया, एंड देन इट वॉज दी अदर फोर्सेज ऑल्सो विच हैड स्टार्टेड यूजिंग इट, क्लियर। उन सभी के द्वारा ये इस्तेमाल में लाया गया, ठीक। स्पाइडर के अलावा अगर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट मिसाइल आती है आकाश, क्लियर, ओके। सो स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 किलोमीटर एंड कैन कैरी अ वॉरहेड ऑफ 60 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, ये काफी एक प्रोग्राम, काफी एक एडवांस्ड, ठीक है,
यहां पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है, ठीक है। और इसकी आकाश की खास बात यह है दैट दिस आकाश प्रोग्राम कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है। ये मल्टीपल टारगेट्स जो है उन्हें एंगेज कर लेता है, क्लियर। स्पीड इज 2.8 to 3.5 Mach, क्लियर। एंड दिस मिसाइल सिस्टम कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 30 किलोमीटर अवे एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 18,000 meters, 18,000 के ऑल्टीट्यूड जो है उस पर भी ये अटैक कर लेता है, क्लियर। सो इट हैज अ कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट्स लाइक फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल्स एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं उन्हें भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, और करंटली इट इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा ही ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, आकाश के बाद जो नेक्स्ट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, ठीक है, दैट इज आकाश एनजी, क्लियर। अब ये आकाश एनजी जो है, ठीक है, दैट इज आकाश नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, दैट इज द आकाश नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर। और ये जो आकाश एनजी है ये आकाश मिसाइल सिस्टम का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्लियर। सो दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द आकाश मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां पर आकाश मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक थी उसे बढ़ा के 80 किलोमीटर तक आकाश एनजी के द्वारा ले जाएगा, क्लियर। इट हैज एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे मल्टी फंक्शन रडार एंड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, ओके, विच इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द मिसाइल अगेंस्ट द टारगेट, क्लियर। सो यहां पर और इफेक्टिव उसे बनाया गया और अपग्रेड किया गया। डीआरडीओ ने 2021 लास्ट ईयर इसका सक्सेसफुल एक टेस्ट लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जो मिसाइल प्रोग्राम है इसमें काफी इंप्रोवाइजेशन किए गए हैं, जैसे एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्च भी हो सकती है। सो इसकी जो एक आप ये देख सकते हैं इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर, ठीक है। और यहां पर जो टारगेट को एंगेज करने की जो रडार्स हैं उन्हें भी काफी इंप्रूव किया गया है, क्लियर। लास्टली अगर आप देखते हैं तो अगला जो यहां पर मिसाइल आती है दैट इज द त्रिशूल मिसाइल, क्लियर। तो ये जो त्रिशूल मिसाइल है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्लियर। सो त्रिशूल मिसाइल इज बेसिकली अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्लियर। और यहां पर त्रिशूल मिसाइल जो है, ठीक है, ये एक ऑल वेदर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल की गई है बेसिकली टू काउंटर द लो लेवल अटैक्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स पर नहीं है, क्लियर, उन्हें काउंटर करने के लिए बनाया गया है, क्लियर। उसके अलावा ये जो त्रिशूल मिसाइल है, ठीक है, ये एक प्रकार से जो यहां पर इसमें सभी काउंटर मेजर्स हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट जैमर्स हैं उनके भी अगेंस्ट ये अटैक कर सकता है, क्लियर। सो इट इज डिजाइंड टू काउंटर अ लो लेवल अटैक एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडिया, क्लियर। इट वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर। और यहां पर ये जो मिसाइल है इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी सी स्किमर फ्रॉम अ शिप अगेंस्ट अ लो फ्लाइंग अटैकिंग मिसाइल्स, क्लियर। सो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में चाहे आप ये देख सकते हैं कि सभी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, वो रेस्पेक्टिवली यहां पर अपने एरियल सिक्योरिटी के लिए इसे इस्तेमाल में ले सकती है, क्लियर। सो त्रिशूल मिसाइल जो है इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक। अब अगली यहां पर आती है नाग मिसाइल, क्लियर। तो नाग जो है ये काफी फेमस एक एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल की गई, ठीक है। तो ये भी जो नाग मिसाइल है इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट, क्लियर। सो इट इज एन एंटी टैंक मिसाइल, ओके, विद अ रेंज ऑफ 500 meters to 20 kilometers, क्लियर। 500 meters to 20 kilometers तक ही रेंज में, ठीक है, ये नाग मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है एंड द स्पीड इज 230 meters per second, क्लियर। तो ये भी एक ऑल वेदर मिसाइल के तौर पर आप ये देखते हैं इस्तेमाल किया गया। इनिशियली जब नाग मिसाइल बनाई गई थी, ठीक है,
इट्स रेंज वॉज 3 किलोमीटर to 7 किलोमीटर्स, क्लियर। और ये जो मिसाइल थी इट हैड एन 100% एक्यूरेसी विद इन द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर की रेंज में 100% एक्यूरेसी थी। दूसरा ये जो नाग मिसाइल है, ठीक है, इसमें डे एंड नाइट फायरिंग कैपेसिटी है, क्लियर। तो ये जो मिसाइल है ये इंफ्रारेड गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, ठीक है, एंड इट कैन बी माउंटेड ऑन इन्फेंट्री व्हीकल्स ऑल्सो, क्लियर। अब ये जो नाग मिसाइल है उसे वेरियस उसके यहां पर वेरियस आप ये देख सकते हैं कि उसके वेरियंट्स भी आए हैं, ठीक है। सो ये जो नाग मिसाइल है इट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ऑफ टैंक्स, क्लियर। तो यहां पर ये किसी भी प्रकार के जो टैंक्स हैं उन्हें यहां पर काउंटर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्लियर। नाग मिसाइल की अगर वेरियंट्स की बात की जाए तो नाग मिसाइल का पहला जो मेजर वेरियंट है दैट इज प्रोस्पिना, ओके, ये इन्फेंट्री वर्जन है जो बेसिकली यहां पर इन्फेंट्री वेटर्स जो है ऊपर माउंट हो सकता है। इट हैज अ रेंज ऑफ 500 meters to 4 kilometers एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लाइट इन्फेंट्री व्हीकल्स और बीएमपी सेकंड क्लास, क्लियर। सेकंड हेलीना, हेलीना जो नाम है दैट इज फॉर हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, क्लियर। नाउ इट हैज अ रेंज ऑफ 7 to 10 kilometers एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम रुद्र हेलीकॉप्टर एंड एलसीएच, ठीक है, एलसीएच जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वहां से भी लॉन्च की गई। और ये जो सिस्टम है ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज हेलीना सेंट, ओके, एंड इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलीना, ये हेलीना का अपग्रेडेड वर्जन है। सो अभी तक जो हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलीना थी, ठीक है, इसकी रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर थी विच वॉज अपग्रेडेड टू 20 किलोमीटर्स इन द नेक्स्ट वर्जन, क्लियर, ओके। अगला यहां पर आता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्लियर, एंड इट इज अ लाइटेस्ट वर्जन, क्लियर। सो इट कैन बी लॉन्च्ड बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, क्लियर। तो इन्फेंट्री जो यहां पर किरण टर्म इन्फेंट्री बोली जाती है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फुट सोल्जर्स हैं उनके पास भी जो व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स पर लॉन्च करके, ठीक है, उन पर माउंट करके इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्लियर। सिमिलरली जो यहां पर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दैट इज द लाइटेस्ट वर्जन ऑफ हेलीना, ओके, और एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द शोल्डर अप टू अ रेंज ऑफ 2.5 किलोमीटर्स ऑन द बैटलफील्ड, क्लियर। तो यहां पर रीसेंट आप ये देख सकते हैं कि नए जो यहां पर अब डायनेमिकली चेंजिंग जो यहां पर वॉर पैटर्न्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये जो वेरिएंट्स हैं ये जो सिस्टम है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लियर। सो दीज आर दी डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ दी नाग मिसाइल, ठीक। तो इस प्रकार से यहां पर जो इस्तेमाल है वो किया गया है एंड दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मिसाइल प्रोग्राम्स, क्लियर। तो आज के सेशन में अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो बहुत फेमस या रिसेंटली भी यूज में रहे हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड देम, क्लियर। इसके अलावा हम ये सभी जो चीजें आप लोगों के साथ अपने जो बायजूस एग्जाम प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, क्लियर। सो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन गिव अ कॉल टू 9650052904, क्लियर। तो यहां पर पेड प्रोग्राम जो है वो आपको प्रोवाइड कराता है डेली फ्री क्लासेस, ठीक है। डेली फ्री क्लासेस के साथ साथ यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, एग्जाम स्पेसिफिक वर्कशॉप, डेली क्विजेस, टेस्ट सीरीज विद डिटेल्ड एनालिसिस, हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियोस, डिटेल सिलेबस कवरेज, डाउट रेजोल्यूशन एंड हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू, क्लियर। सो दिस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हेल्प्स यू आउट इन प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्लियर। सो अलॉन्ग विद दिस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, ओके, यू कैन ऑल्सो बी इन टू द हॉल ऑफ फेम और आप भी सक्सेसफुली अपना सपना पूरा कर सकते हैं आर्म फोर्सेज में जाने का, क्लियर। So I hope all of you would have enjoyed the session today. हाँ बिल्कुल अभय, अभय जो low range missiles हैं उन्हें ही बैराक 8 बोला जाता है, ठीक है। तो बैराक 8 जो category है, clear, that is for these, clear. तो ये जो long range surface to air missile हैं इन्हें इज़राइल में बैराक 8 missiles बोला जाता है,
ठीक है। और ये हर प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि दीज मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ये बेसिकली इंडिया और इजराइल का ही एक जॉइंट वेंचर है। क्लियर? हां जी बिल्कुल अविनाश जी, ऐप पर फ्री क्लासेस होती हैं। ओके, एनीवन एल्स हु हैज गॉट एनी अदर डाउट इन एनीथिंग? चलिए, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।